वेलकम बैक स्टूडेंट, दिस इज़ अ क्लास वन सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर फाइव त्र की मात्रा। इसमें ऋषि की मात्रा जो होती है हम वो पढ़ेंगे। ओके। मृग वृषभ ग्रह घृत नप्र द्रग द्रण मृत मृद्यु सृजन मात्र पृथक कृपाण बृहत तृतीय अमृत कृतिम कृपण। एक दिवस एक नृप आया। नृप का मतलब क्या होता है? नृप का मतलब होता है राजा। ऋषि उस पर कृपा करता था। ऋषि का एक मृग, मृग यानी क्या होता है? हिरण था। वह मृद्यु जल पीता था। नृप ब्रश तक आया। नृप बड़ा बृहत था। नृप कृपण था। नृप की गृहिणी अमृत कलश रखती थी। वह माता सदृश थी। शब्दों को जोड़कर लिखिए। न वो नीचे थोड़ा सा रा बना है प्लस प नृप तृण ग्रह वृषभ सदृश कृषक। ये शब्द आपको आपकी बुक में फिल करना है।